हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो कंटेंट लेके आया हूँ वो क्लास टेंथ और क्लास फर्स्ट ईयर दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बैनवी अर्थमेटिक के बारे में। इसके अलावा भी कॉम्पिटिशन में इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बैनवी अर्थमेटिक क्या होती है, बैनवी अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में बैनवी का मतलब होता है जीरो एंड वन, और अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक का मतलब आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, आप सभी लोग समझ जानते हैं। तो आइए देखते हैं बाइनरी नंबर्स के साथ एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहले इसके रूल्स देख लेते हैं हम लोग। बाइनरी एडिशन के जो रूल है वो जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो में जीरो ऐड होता है तो जीरो, जैसा कि आपका नॉर्मल एडिशन में भी है जीरो एंड वन इज इक्वल्स टू वन, ये भी हम लोग नॉर्मल एडिशन में करते हैं। वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन, ये भी नॉर्मल एडिशन में है। वन प्लस वन इक्वल्स टू वन जीरो, या कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा वन प्लस वन जीरो इक्वल्स टू जीरो वन बोरो, या इसको वन जीरो भी लिख सकते हैं, जिसमें वन क्या होता है आपको बोरो में चला जाता है। आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं। पहले एडिशन वन जीरो, यहां पर आपको क्या आएगा जीरो आ जाएगा, जीरो वन सॉरी वन जीरो आपका वन आ जाएगा, जीरो वन वन आ जाएगा, जीरो वन वन आ जाएगा, जीरो वन, क्योंकि यहां पर बहुत ही सिंपल है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, यहां वन प्लस वन होता है। अब यहां देखिए वन प्लस वन दिया है तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस वन मैंने टेन बनाया है, टेन का हम लोग क्या कर लेंगे जीरो आप, और वन क्या हो जाएगा बोरो चला जाएगा, तो वन जीरो वन वन जीरो हो गया आपका वन, ये वन, ये देख सकते हैं। इस तरह से आप बाइनरी एडिशन को आसानी से कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि वन प्लस वन इक्वल्स टू क्या करना है, वन जीरो करना है। तो वन प्लस इक्वल्स टू वन जीरो जैसे ही आपने किया, जीरो यहां आ गया, वन हमने क्या कर लिया ऊपर ले गया दोनों में, और वन जीरो वन और वन जीरो वन, तो वन आपका यहां पर आ गया। सेम वैसे ही बाइनरी सबट्रैक्शन की तरफ पड़ सकते, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज करना है आपको, रूल देख लेंगे। जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस वन इक्वल टू वन, और वन माइनस जीरो इक्वल टू वन, एंड वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको समझना कितने सकते हैं, आइए पहले एग्जांपल से समझते हैं। वन माइनस जीरो सामने है आपके, वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस जीरो आपका, ये तो बहुत ईजी था क्योंकि इसमें कहीं भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। अब जैसे इसमें पहली वैल्यू को हम देखें जीरो माइनस वन, तो जीरो है सिर्फ माइनस वन होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे वन इधर क्या करेंगे कैरी आएगा, और जो वन कैरी आएगा यहां अभी जीरो है, ये क्या हो जाएगा वन जीरो हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये टू हो गया, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि वन जीरो का मतलब क्या होता है टू होता है, ये क्यों सपोज करने के लिए, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाए। तो यहां पे टू हो गया, तो टू माइनस वन वन, यहां जीरो हो गया, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, और जीरो माइनस जीरो वन माइनस वन जीरो। केवल आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप इधर से बोरो लोगे तो इधर जीरो है और वन को लेस करना है, तो क्या हो जाएगा वन जीरो, और वन जीरो को आप क्या मान लेंगे टू मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा टू माइनस वन इक्वल्स टू। वैसे ही बढ़ते हैं हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल सेम है जैसा कि आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वन टू वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, वन इंटू वन इक्वल टू वन, आइए करते हैं जीरो इक्वल टू वन जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, फिर यहां पर वन इक्वल टू वन जीरो वन, इसको हम लोग ऐड करेंगे, वही बाइनरी ऐड का रूल आप लगाएंगे, क्योंकि रूल वहां यहां पे भी आपका वही रूल चलेगा जो आप नॉर्मल बाइनरी एडिशन में लगा रहे हैं। आपको वन प्लस वन टू कहीं नहीं करना है, या ये ध्यान रखना है कि आपको जो रिजल्ट आना चाहिए वो वन जीरो में ही आएगा, क्योंकि हम लोग बाइनरी पे ही कैलकुलेशन सारी कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं बाइनरी डिवीजन, अब इसमें भी कुछ नहीं, वन टाइम ही जाता है वन जीरो, फॉर्मूले आपके सामने दिखे हुए हैं, रूल्स रूल्स को आप फॉलो कर लेंगे और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं,
ये मुझे कॉन्टेक्ट बता सकते हैं। और ये आपके हो गए बाइनरी अरिथमेटिक। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बाइनरी अरिथमेटिक बता दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे वो मैसेज कर सकता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।